अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, देख रहे हैं आप लोग अमरीन्स कुकिंग चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कराची की फेमस आफरीदी, इनकी मटन कढ़ाई। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। हाफ के जी मटन को एक छोटी प्याज डालकर मैंने बॉईल कर लिया था और ये जो मटन का स्टॉक था इसको मैंने सेपरेट कर लिया था। एक पैन के अंदर ऑयल को मैंने गर्म होने को रख दिया है। अच्छा जी, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब मैं ये मटन इसमें ऐड कर दूंगी और मटन में गोल्डन कलर आने तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी मैंने इसमें ना नमक ऐड किया है और ना ही जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छा जी, अभी आप लोग देख सकते हैं मटन अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर और 1 अदद बड़ी हरी मिर्च को मैंने इस तरह से मोटा कट कर लिया था। ये चले जाएंगे इस तरह से। टमाटर और हरी मिर्च डालकर भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं टमाटर और हरी मिर्चों को भी मैंने मटर के साथ फ्राई कर लिया था। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये थोड़ा सा स्टॉक, ऑलमोस्ट आधा कप, और अब मैं इसको कवर कर दूंगी ऊपर से। इसको बस इतना अब कुक करना है कि टमाटर के छिलके अच्छे से रिमूव हो जाएं। अभी तक मैंने इसमें सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं किया है। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं टमाटर के छिलकों को मैंने रिमूव करके और अब टमाटरों को मैं अच्छे से इसमें मैश कर दूंगी। चलो जी, अब ये आप लोग देख सकते हैं टमाटरों को मैं इस तरह से करके प्याज और टमाटर को अच्छे से मैं मैश कर दूंगी। ये कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनती है, आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं जाते हैं। मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ताज़ा कुटा हुआ अदरक लहसुन, इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब इसके साथ ही इसमें जाएगा हसबे ज़ायका नमक, जितना आप लोगों को पसंद हो। अब हम इन तमाम चीज़ों की बहुत अच्छे से भुनाई करेंगे। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से इन सब चीज़ों की भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दूंगी। दही डालकर भी इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी फ्रेशली ग्राउंड ब्लैक पेपर, जितनी आप लोगों को पसंद हो आप लोग ऐड कर लीजिएगा। मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च, कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार शिनवारी मटन कढ़ाई बन के बिल्कुल तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।